कहाँ चले सुबह सुबह। तुम जरूर पीछे से आवाज दे लेती हो, दिन रात नजर लगाए रखती हो मुझ पर। आय हाय, कहीं नजर ही न लग जाए तुम्हें बड़े मियाँ। तो मैं क्या कहीं भाग जाऊंगा? ऐ तब न भागे जब भगाने वालियाँ सुरमा मस्सी लगा के मंडलाया करती थी चारों तरफ। तो फिर क्यों उठ जाती हो सुबह सुबह? मैं उठती हूँ अपने अल्लाह के लिए जो हमें आवाज देता है। तुम ही हो जो सुनी अनसुनी किए जाते हो, रोज जाते हो मस्जिद तक और उल्टे पांव लौट आते हो। वो वापस भेज देता है, लौट आता हूँ। अगर वो बुला लेता तो वहीं से वहीं चला जाता उसके पास। अब जल्दी लौट आना। हाँ हाँ, लौट। शहर में वबा फैली है, सर से गदर उतरा नहीं कि इस वबा ने पकड़ लिया शहर को। जाने क्या लिखा है दिल्ली के किस्मत में। अरे कहाँ की वबा, कैसी वबा। मैं 71 साल का बुढ़ा, तुम 69 साल की बुढ़िया, दोनों में से एक भी मरा होता तो मान लेते कि वबा आई है। तुफ परी वबा, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम जुबां कोई न हो। पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा खां कोई ना हो। मिर्जा नौशाह। अस्सलाम वालेकुम काली मियां। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहां कैसे? यूं ही खारजी दरवाजे पे आ बैठा हूं, हर बाहर जाने वाले की सूरत देख लेता हूं, मगर तुम यहां कैसे आए? शम्स का फातिहा कर्ज था मुझ पर, अदा कराया। काले मियां, बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि गदर में तुम्हारी हवेली भी लुट गई। हाँ, और तुम्हारी बीवी के जेवरात भी। जब दंगा शुरू हुआ तो हमारे यहाँ छुपा गई थी वो, ये सोचकर कि सूफियों के ठिकाने पे कौन जाएगा। छुपा गई हमसे बुढ़िया, हमें बताया नहीं। और सुनाओ बाकी यार बादशाह की क्या खबर है? भाई तुफ्ता तो जाके मेरठ में बस गए, पहले से ही उनका घर था वहाँ। मुफ्ती सदरुद्दीन साहब लाहौर चले गए, नवाब शेफ्ता की आधी जायदाद जब्त कर ली अंग्रेजों ने। हकीम रजीउद्दीन साहब थे, अभी उस रोज चहल कर रहे थे हमसे कि गधे भी आम नहीं खाते, एक खाकी की गोली का शिकार हो गए। तालियार खान साहब के दोनों जवान बेटों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। मुंशी हीरा सिंह दर्द और बाल मुकुंद ने जान पे खेल के मदद की गदर के दिनों में, वरना दिल्ली के मुसलमानों पे जो गुजरी है वो अल्लाह ही जानता है। हाँ, अब बिछड़े हुए यार कहीं कयामत को जमा हो तो हो। वहां क्या खाक जमा होंगे, सुन्नी अलग शिया अलग, नेक जुदा बद जुदा। भाई मिर्जा, सुना है फिरंगियों ने तुम्हें भी बुला भेजा था। हाँ, चंद गोरे कूचाबंदी की दीवार पलांग कर घुसाए मोहल्ले में। पटियाला के सिपाहियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग सीधे मेरे घर पे आ धमके। किसी ने खबर की थी कि मैंने बागियों का साथ दिया है, बल्कि पनाह दिया है उन्हें। फिर बस मुझे और मेरे हमसायों में से चंद आदमियों को पैदल चलाकर ले गए। तफ्तीश हो रही थी कि शहर के कौन कौन से मोहल्लों में
مسلمان مقیم ہیں، ہم سب کو وہیں لے گئے جہاں کبھی اپنے بادشاہ سے ملا کرتے تھے. نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، اسد اللہ، کین، غالب، تم؟ جی. تم مسلمان ہے؟ جی آدھا ہوں. آدھا؟ آدھا مسلمان کا کیا مطلب؟ قبلہ شراب پیتا ہوں، شوہر نہیں کھاتا، اس لیے آدھا کا. Very good, very good. He can't wear baggy. بس اسی لطیفے نے سہولیت کر دی، مگر ظفر بہت یاد آیا اس روز. بڑا یار بادشاہ تھا. مرزا، پتہ نہیں تمہیں خبر ملی یا نہیں. کیا؟ 7 نومبر جمعہ کے روز ظفر بادشاہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. انہیں رنگون میں ہی دفنا دیا گیا. ان للہ و ان الیہ راجعون. یا مجھے افسر شاہ بنایا یا میرا تاج گدایا بنایا ہوتا. خاک ساری بنایا تھا مجھے، کاش سنگے در جانا بنایا ہوتا. نشائے گر ظرف دیا تھا مجھ کو، عمر کا تنگ نہ پیمانا بنایا بنایا ہوتا. یا مجھے افسر شاہ بنایا ہوتا. یا میرا گدایا نہ بنایا